हे गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कुछ कमाल की मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी मूवीज को। इस लिस्ट की मूवीज के अंदर आपको जाइंट मॉन्स्टर्स, नेक्स्ट लेवल का मैजिक देखने को मिलेगा और भी बहुत कुछ आप इन मूवीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा नंबर 10 की मूवी है गॉड्स ऑफ इजिप्ट, जो गई थी साल 2016 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है इजिप्ट के उस समय की, जब इजिप्ट में गॉड्स इंसानों के बीच रहा करते थे। हर जगह खुशी खुशी थी, लेकिन उसी बीच इन्हीं गॉड्स में से एक इविल गॉड अपने भाई की दोनों आंखें निकालकर उसका राज्य यानी कि इजिप्ट को हत्या लेता है और राज्य के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। जिसके बाद बेक नाम का एक लड़का, जो कि हमारी मूवी का हीरो है और एक आम इंसान है, वो डिसाइड करता है वो गॉड की दोनों आंखें लौटाकर इविल गॉड को हराने में उसकी मदद करेगा। तो दोनों कैसे इविल गॉड को हराते हैं, ये सब कुछ इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है सेवंथ सन। ये मूवी आई थी साल 2014 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है ग्रेगरी नाम के एक जादूगर की, जो कि अपनी जादू की मदद से ब्लैक मैजिक और विचेस को कैद करके रखता है। पर वक्त के साथ साथ इसकी शक्तियां कम होने लगती है और शक्तियां कम होने की वजह से इसकी कैद से एक बहुत ही खतरनाक विच आजाद हो जाती है, जिसका मकसद पूरी दुनिया को खत्म बर्बाद करना है। जिसके बाद ग्रेगरी इस विच को रोकने के लिए एक नए शागिर्द को ट्रेनिंग देता है, पर समय कम है क्योंकि इस पुण्यमय की रात विच के अंदर बहुत ही पावरफुल पावर आ जाएगी, जिसके बाद उसको रोकना नामुमकिन है। तो आगे ग्रेगरी कम टाइम में नए शागिर्द को ट्रेन करके उस विच को रोक पाता है या नहीं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है पर्सी जैक्सन। ये मूवी आई थी साल 2010 में। एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है पर्सी नाम के एक लड़के की, जिसको लगता है वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन अचानक से एक दिन इसको पता चलता है वो एक डेमी गॉड है, यानी कि इसके पास गॉड जैसी कुछ अद्भुत पावर है। और इसके ऊपर ये इल्जाम लगा होता है इसने ज्यूस की बिजली को चुराया है, और अगर इसने बिजली को वापस नहीं किया तो देवताओं के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध होगी, जिससे दुनिया भी खतरे में आ सकती है। जिसके बाद पर्सी ज्यूस की बिजली को ढूंढने और साथ ही साथ ये पता लगाने के लिए एक एडवेंचर सफर पर निकलता है। आखिर ज्यूस की बिजली को किसने चुराया और इस एडवेंचर सफर पर पर्सी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं और दोनों के दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है स्नो व्हाइट एंड द हंट्समैन। ये मूवी आई थी साल 2012 में। एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है स्नो व्हाइट की, जिसके पीछे एक विच पड़ी है जो कि इसका दिल निकालकर खाना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए खूबसूरत रहे। और ये उस विच से अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक नरभक्षी जंगल में चली जाती है, जहाँ से जिंदा वापस आना नामुमकिन है। और स्नो व्हाइट को जिंदा या मुर्दा वापस लाने के लिए विच हमारी मूवी के हीरो हंट्समैन को उस जंगल में भेजती है। और आगे कहानी में क्या कुछ होता है, यह सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है क्लैश ऑफ द टाइटंस। ये मूवी भी आई थी साल 2010 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है ज्यूस के बेटे पर्सियस की, जिसको यह नहीं पता होता वो एक डेमी गॉड है, यानी कि आधा इंसान और आधा देवता है, और ये एक मछुआरे के साथ रहता है। लेकिन एक दिन एक इविल गॉड इनके ऊपर हमला कर देता है और इसकी फैमिली को मार देता है, और ये किसी तरह बच जाता है। जिसके बाद ये एक राज्य में जाता है और वहाँ पहुंचकर इसको पता चलता है इविल गॉड पूरी दुनिया के साथ साथ स्वर्ग पे भी अपना कब्जा करना चाहता है, जिसे सिर्फ पर्सियस ही रोक सकता है। और आगे किस तरह पर्सियस इविल गॉड को रोकता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है द गोल्डन कंपास। ये
यह मूवी आई थी साल 2007 में। एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है ऐसी दुनिया की जहां पर हर एक इंसान के पास अपना एक पेट होता है और इनकी आत्मा इनके पेट से जुड़ी होती है। अगर दोनों में से किसी की एक की भी जान जाती है तो दोनों के दोनों एक साथ मरे जाएंगे। और इस दुनिया में एक गोल्डन कंपास होता है जो कि लोगों के पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बताता है। लेकिन उसी बीच एक नया फादरी आता है और आते ही फादरी कंपास को बैन कर देता है ताकि लोग फ्यूचर में जाकर उसके डार्क सीक्रेट्स ना जान सके। आखिर फादरी के वो डार्क सीक्रेट्स क्या है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है जैक द जायंट स्लेयर। यह मूवी आई थी साल 2013 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है जैक नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन राजा के महल में जाता है और महल में पहुंचकर इसको कुछ ऐसे जादुई बीज मिलते हैं जिनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो उस बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है जो कि सीधा दूसरी दुनिया से कनेक्ट होता है, जहां पर बहुत ही खतरनाक जायंट मॉन्स्टर रहते हैं जो कि उस पेड़ के थ्रू हमारी दुनिया में आ जाते हैं। और हमारी दुनिया में आने के बाद लोग किस तरह उनका मुकाबला करते हैं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है प्रिंस ऑफ पर्सिया दी सेंस ऑफ टाइम। यह मूवी आई थी साल 2010 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है पर्सिया के प्रिंस की, जिसके ऊपर यह आरोप लग जाता है उसने अपने फादर का कत्ल किया है और उसी बीच गलती से इसके हाथों एक ऐसा जादुई खंजर लगता है जिसकी मदद से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और इस खंजर के पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हैं। और प्रिंस किस तरह खंजर को बुरे लोगों से बचाता है और खंजर की मदद से खुद को बेगुनाह साबित करता है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 2 की मूवी है वॉर Craft. यह मूवी आई थी साल 2016 में। एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है ओर्स की, जिनका घर काले जादू की वजह से पूरी तरीके से खत्म बर्बाद हो चुका है, जिसके बाद ओर्स एक पोर्टल के थ्रू एक नए ग्रह यानी कि एजोरोथ पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ये लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और आगे एजोरोथवासी किस तरह ओर्स का सामना करते हैं, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी लास्ट मूवी है स्टारडस्ट। यह मूवी आई थी साल 2007 में। एक एडवेंचर फैमिली फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है वो इसके लिए टूटे हुए तारे का एक टुकड़ा लाएगा, पर जब यह वहां पर पहुंचता है तो यह देखता है टुकड़ा तो एक लड़की है जिसके पीछे कुछ चुड़ैल और कुछ राजा के बेटे पड़े है जो कि किसी भी हाल में उसको पाना चाहते है क्योंकि लड़की के पास कुछ जादुई शक्तियां है। और आखिर में यह लड़की किसको मिलती है, ये सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई की। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और न्यू मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।